नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द लॉजिकल इंडियन की फैक्ट चेक टीम से यूषा और आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर एक और नए वायरल कंटेंट के साथ। क्योंकि बिहार इलेक्शंस हाल फिलहाल में हो रहे हैं तो इसीलिए सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अफवाहें बिहार इलेक्शंस के ही इर्द गिर्द घूमती हुई मिल रही हैं। अब इससे पहले कि हम बात करें, आप इस वीडियो को देखिए। अभी अभी आप सभी ने जो वीडियो देखा उसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति बसपा को वोट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन वोट भाजपा को चला जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए बिहार चुनाव के पहले चरण में ही ईवीएम में कितनी गड़बड़ी हो रही है। अब द लॉजिकल इंडियन को भी ये खबर मिली, हमने इसके पीछे की तहकीकात शुरू करी। द लॉजिकल इंडियन ने इसके पीछे की तहकीकात शुरू करी। सबसे पहले हमने रिवर्स इमेज सर्च करा तो हमें एक खबर मिली, ये खबर थी बिजनौर की 2019 की। इस खबर के अनुसार वहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति बीएसपी को वोट देने की कोशिश कर रहा था तो वो वोट बीजेपी को जा रहा था। उस समय भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐसी बातों का खंडन ही करा था, लेकिन कहीं भी हमें ये खबर नहीं पता चली जहाँ पर बिहार में ऐसा हुआ हो। हाँ, हमने पूरी मीडिया सर्च करी तो हमें दो खबरें मिली, एक थी मुंगेर की, एक थी लखीसराय की। मुंगेर और लखीसराय दोनों में ही ईवीएम में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे। इसी से जुड़े हमने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय कुमार सिंह से भी बात करी, उन्होंने भी ऐसे किसी भी दावे को खारिज करा और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। इससे ये बात साफ हो गई कि किसी भी तरह का ऐसा खबर नहीं मिला कि बिहार में इस बार ऐसा कुछ हुआ कि जहां पर आपने बीएसपी को जो वोट दिया हो और वोट आपको बीजेपी को जा रहा हो। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर लाइक करें और किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह की इमेज और किसी भी तरह की वीडियो के पीछे का सच जानने के लिए आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6364000343। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।